बरेली में 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद से अंदरूनी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही। संतोष गंगवार टिकट कटने के बाद से जिले की बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। संतोष गंगवार का टिकट कटने से उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखी जा सकती है। वहीं अब पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली के बाद संतोष गंगवार के समर्थन में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर धड़ल्ले से वायरल किए जा रहे हैं। बरेली लोकसभा सीट से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का भाजपा द्वारा टिकट काटने के बाद बरेली की में लगातार अंदरूनी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल सोमवार को सांसद संतोष गंगवार के समर्थकों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को घर पर बंधक बना लिया। उसी के बाद लगातार अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। अब इतना ही नहीं, भाजपा के सांसद जो संतोष गंगवार हैं उनके समर्थकों ने अब सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल किया है। उस पोस्टर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस बार संतोष गंगवार का अपमान नहीं सहा जाएगा और इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। दरअसल बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया है। संतोष गंगवार का टिकट कटने से उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दो दिन पहले बरेली के प्रेमनगर में संतोष गंगवार के भारत सेवा ट्रस्ट में टिकट कटने पर जमकर हंगामा हुआ था और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की थी। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने हंगामा इतना बढ़ गया कि संतोष गंगवार को खुद कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा, तब जाकर गेट खुल पाया था और वहां से भूपेंद्र चौधरी निकल पाए थे। वहीं भूपेंद्र चौधरी के सामने मेयर डॉक्टर उमेश गौतम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पीलीभीत में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा की। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी ने संतोष गंगवार से मुलाकात की और करीब 2 मिनट तक बातचीत भी की। मंच पर ही इस मुलाकात के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। पीएम मोदी की रैली होने के बाद फिर से बरेली में टिकट को लेकर बगावती सुर उठने लगे और कार्यकर्ता संतोष गंगवार के समर्थन में अब पोस्टर के जरिए विरोध जता रहे हैं। वायरल पोस्टर में लिखा है कि संतोष गंगवार के अपमान के विरोध में अब की बार चुनाव बहिष्कार और उमेश मेयर गौतम का इस्तीफा और निष्कासन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वही अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विरोध को कैसे शांत कर पाता है। बता दें कि बरेली में रविवार को एक ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया था जिसमें मेयर डॉक्टर उमेश गौतम को भी बुलाया गया। बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना भी इसमें मौजूद रहे। इसी कार्यक्रम का मेयर का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसके बाद से बरेली के बीजेपी कार्यकर्ताओं में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ संतोष गंगवार का टिकट कटने का विरोध तो वहीं दूसरी तरफ मेयर डॉक्टर उमेश गौतम के वायरल ऑडियो से बीजेपी को बरेली में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल एक ऑडियो वायरल हुई थी जिस पर सांसद संतोष गंगवार के समर्थक थे, उन्होंने मेयर पर आरोप लगाए थे कि उस ऑडियो में सांसद संतोष गंगवार के ऊपर अभद्रता की गई है। इसी को लेकर लगातार अंदरूनी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा में इस वक्त बरेली में अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। पोस्टर वायरल होने के बाद लगातार यहाँ की जो सीट है लोकसभा बरेली की, उसको लेकर लगातार सरगर्मियां जो है लगातार तेज होती जा रही हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार अब तंज कस रहा है। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।